आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। सिवनी जिले के मुख्यालय से सबसे दूर बसी जनपद पंचायत घनसौर में नियमों को ताक में रखकर पदस्थापना का खेल चल रहा है, जहां नियम कायदों का न तो ध्यान रखा जा रहा है न ही बच्चों के हितों का, जिसका खामियाजा क्षेत्र के बच्चों को भुगतना पड़ता। आए दिन शिकायतें आती रहती है मगर उनका कोई सार्थक समाधान नहीं निकल पाता, जिसका असर क्षेत्र की शिक्षा व इलाके के भविष्य में साफ देखा जा सकता है। यही आलमनगर के सबसे बड़े संस्थान एकलव्य आवासीय विद्यालय के बालक छात्रावास का है, जिसके कारण आए दिन एकलव्य आदर्श बालक छात्रावास खबरों में बना रहता है। पिछले दिनों हुई कुछ घटनाओं पर अगर नज़र घुमाई जाए तो अधीक्षक सुनीलाल उइके पर कई मामलों के आरोप लगाते आए हैं, मगर राजनीतिक महत्वाकांक्षा एवं पूर्व सहायक आयुक्त सेंडे से संबंधों के चलते अधीक्षक सुनीलाल उइके अपने पद पर जमे हुए। जबकि आपको बता दें कि जिस पद पर अधीक्षक महोदय वर्तमान में पदस्थ हैं, उस पद में नियमों के अनुसार UDT या प्रधानापाठक की आवश्यकता होती है, जबकि वर्तमान में पदस्थ सुनीलाल उइके सहायक शिक्षक हैं, जबकि इनकी पदस्थापना प्राथमिक शाला भुरकाल खापा में है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य एवं अधिकारियों से मधुर संबंधों के चक्कर में सुनीलाल उइके तमाम विवादों के बाद पद पर आसीन है। आपको बता दें कि पिछले दिनों एकलव्य आदर्श बालक छात्रावास में इन्हीं के द्वारा हरे भरे पेड़ों को कटवाया गया था, जबकि बच्चों द्वारा कई बार मीडिया में इनके खिलाफ शिकायत की गई कि अपने परिवार के साथ छात्रावास परिसर में निवासरत हैं, जिसके छात्रों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा लोग है, कहते हैं कि एकलव्य विद्यालय में जो आवासीय जो छात्रावास है और जो वहाँ के अधीक्षक हैं, उनकी जो नियुक्ति को लेकर कई बार सवाल उठाए गए हैं और इसकी कई बार जाँच भी हुई इस मामले को लेकर, मगर अधिकारियों का हीला हवाली करते हुए अभी वो वहाँ पर स्थापित है ही। लेकिन आप मानते हैं कि मतलब ये नियुक्ति वो है, और इसमें मतलब क्योंकि ये संज्ञान में आया है, ये लोगों के द्वारा ये जनचर्चा का विषय है कि मतलब ये जो नियुक्ति है BJP के नेताओं के द्वारा करवाई गई है? नहीं, ऐसा नहीं है, नियुक्ति तो अधिकारी करते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें IB इंडिया न्यूज़।